तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियोस। तो गाइस, आज मैं आपको रिव्यू तो नहीं, तो गाइस आज मेरी गाड़ी इको 1 लाख समथिंग चल चुकी है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 लाख के बाद इसके ऊपर क्या कमी है क्या नहीं है, मैं सब आपको डिटेल में बताऊँगा। पहले मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ कि 1 लाख चल चुकी है या नहीं चल चुकी। ये गाइस, मैंने कोई मीटर पीछे नहीं करवाया, कोई आगे नहीं करवाया हुआ, ये पूरा जो आपका मीटर है ये आपके सामने है। तो गाइज ये देखो, ये आपका मीटर सामने है कि 1 लाख से ऊपर चल चुकी है, तभी मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइज थोड़ी लाइट आई होगी क्योंकि रात को मैं कहीं जा रहा था, तो मेरा एकदम से मन करा चलो मैं इसका थोड़ा दिखा देता हूँ 1 लाख चलने के बाद इसका कैसे है, कंडीशन है कैसी नहीं है। तो इसलिए गाइज थोड़ा माइंड मत करना, फ्लैश लाइट जलाई हुई है मैंने, आपको थोड़ी रोशनी आए तो इसलिए। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, इसमें मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरे को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी हो। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये स्टीरियो मैंने लगवाया था, पहले इसमें लगा हुआ था JVC का स्टीरियो, बट उसमें खास मेरे को मज़ा नहीं आया और वो थोड़ा ख़राब सा हो गया, तो वो मैंने चेंज करवाया। तो अब मैंने ये पायनियर का लगाया हुआ है। तो गाइस कमेंट करना ये कैसा है, लेकिन ये इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, आप अगर मेरे को बोलोगे तो मैं वो भी सुना दूंगा। और गाइस ये आपका मैंने पूरा स्टिच करवाया था इसी के साथ, जब मैंने इसमें सीट कवर लगवाए थे। सीट कवर भी आप देख सकते हैं फट फूट गए हैं, क्योंकि आप ये मत सोचना मेंटेन करके नहीं रखी, मेंटेन गाड़ी करके रखी है, बट इसके अंदर सामान लोड होता है तो वो थोड़ा फट जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप स्टेयरिंग, थोड़ा स्टेयरिंग का कवर भी फट गया। ये सब मैं करवाऊंगा, बट बेसिकली मेरे को आपको बताना था तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब आपके सामने मैं कोई चीज़ छुपा भी सकता था, मैं छुपा नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को फटी हैं तो फटी हैं। और ये 2016 मॉडल है, तो 2 साल में ये कंडीशन हुई है और ये रच के चली। आप 2 साल में देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर चल चुकी है इसकी रनिंग, 1 लाख से ऊपर रनिंग हो चुकी है। और ये आपको पता ही है इसमें CNG लगी हुई है इको कार में। और बाकी मेरे को मैट्स भी काफ़ी मेरे ख़राब हो चुके हैं, ये भी चेंज करवाने वाले हो रहे हैं। और मैंने इसमें ये चीज़ लगवाई थी गियर लॉक, इससे काफ़ी सेफ्टी होती है। अगर गाइस आपको इस गाड़ी का रिव्यू देखना है तो अंदर डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें मैंने रिव्यू भी करा हुआ है इसका, और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कार की मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो मैं आपको थोड़े पीछे से अगर दिखा दूँ, ये देखो गाइस पीछे से भी आप कुछ सीट कवर देख सकते हैं, सीट कवर इसमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और ऊपर की बात करें रूफिंग की, रूफिंग आपकी एकदम सही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ी काली पीली हुई है बस। नीचे से आप देख लो ये अभी भी ऐसी है, इसमें कोई ख़राबी नहीं नज़र आ रही। देखो गाइस इसमें बूट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बूट अभी भी एकदम ठीक है, नहीं अंदर से चल ही जाता है, बस कंडीशन और उसकी बॉडी लाइन से कोई भी इसको देख के नहीं बता सकता कि 1 लाख चल चुके हैं, क्योंकि हमने इसको इतना संभाल के चलाया। तो गाइस मैं कुछ आपको इसके इंजन में कमियां बता देता हूँ जो मैंने चीज़ें डलवाई हैं। देख लो मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, इसमें दो तीन चीज़ें मैंने करवाई है। एक मैंने क्लच प्लेट डलवाई है, ठीक है गाइस, क्योंकि क्लच प्लेट मेरे फूक गए थे, पूरा मैंने सेट चेंज करवाया था। और इसमें मैंने शॉकर डलवाए हैं आगे के, बस ये दो काम करवाए, बाकी इसकी टाइम टू टाइम सर्विस होती गई है। तो इंजन की हालत मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसी है, देख लो भाई अंदर पैडल वैडल की हालत है, अंदर इंटीरियर तो आपको दिखाई दिया है, ओवरऑल दिखा दूँ तो कुछ ऐसी है। तो गाइस बस मेरा यही एक्सपीरियंस था, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।